रही है इवन जय जी और सुधीर जी यामिनी जी सब आपकी तारीफ रही है। क्या कहना चाहिए इतना ज्यादा तारीफ सुन करके, क्या कहना चाहिए कितना? देखिए तारीफ की बात है तो मैं इनकी भी मैं आप मुझे बता दे रहा हूँ कि मैं जब पहले दिन आया तो मेरे गाने की जो है शूटिंग थी, तो क्योंकि मैंने कभी कैमरा फेस नहीं किया है तो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है कि मैं क्या बोलूँ। अब तारीफ अब इन्होंने किया है, लेकिन मैं भी आपको बता दूँ कि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं कभी सोचा नहीं था कि इतने अच्छे लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा। खुश तो बहुत हूँ, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है, सीखने से ज़्यादा मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सुधी जी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मेरा पहले दिन गाने का शूट था जैसा मैंने आपको बताया, उस पर इन्होंने मुझे बहुत सारी टिप्स दी और बहुत कुछ इन्होंने मुझे बताया। और बाकी जो है जय भैया हैं, एक्टिंग मुझे जहाँ नहीं समझ में आता मुझे ये भी हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं, हमेशा मतलब एक फैमिली की तरह मुझे ये लोग गाइड करते रहते हैं और अच्छा भी लगता है और कहीं ना कहीं एक हिम्मत होती है और फिर अच्छा भी लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सही समय मिली है। और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ मानूंगा कि मेरी जो लॉन्चिंग है वो काफ़ी अच्छे लोग के साथ है और मेरे बड़े भाई जो है जय भैया के साथ है। देखिए मैं एक्टर का क्या, मैंने अभी तक मैं सबको देख के मैं जो है सीखा हूँ, बड़ा हूँ। जैसे हमारे जो है पवन सर हुए, जो है खेसारी सर हुए और जो है दिनेश जी हुए, तो मैं छोटा था मतलब उनको देख के मैं बहुत कुछ सीखा हूँ और बहुत कुछ सीखने ही रहना। और आदर्श मैं सबको मानता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे सीखने की बात है तो अभी तो बहुत कुछ सीखना ही है। अपने फैंस और ऑडियंस में यही चीज़ कहना चाहूँगा कि इतना आप लोग प्यार दीजिए, इतना आप लोग सपोर्ट दीजिए कि हम लोग अच्छे से अच्छा काम जो है करते रहें और अपने ऊपर और भी अच्छा काम करते रहें। और बिना ऑडियंस के प्यार सपोर्ट के हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई भी काम हो, बिना उनके प्यार के हमारी कहीं कुछ भी नहीं, ना कल है ना आज है, तो ऑडियंस ही हमारे लिए सब कुछ है। इनका तो प्यार एक जैसे बड़े भाई नहीं होते, जैसे घर के एक होते हैं, उस तरीके से इनका प्यार है। और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि मुझे कभी फील ही नहीं होता कि मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। और मैं ऑन द स्क्रीन पे भी रहता हूँ, शूट भी होता है, तो मैं इनको अपना भाई समझ के मैं ऐसे डायलॉग बोलता हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ही कम टाइम में हमारी ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो गई है कि हम सेट पे इतना मस्ती करते हैं। अच्छा एक इनके बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। और कुछ सीन्स ऐसे होते हैं, सीन्स में कुछ चीज़ें ऐसी निकल जाती हैं जिस पे कि हम लोग पूरा यूनिट हंसने लगता है। तो आगे आगे आप लोगों को भी देखने को मिलेगा, एक अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं, अच्छे इंसान तो है ही, स्मार्ट तो है ही, एक नया सितारा अपने भोजपुरी इंडस्ट्री में मिलेगा। तो यही है हम लोग का सही चल रहा है। और जब बड़े भाई हों तो छोटे भाई को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। पहले उनको हम यहाँ बुलाते हैं, आइए आकाश जी। आकाश ये हैं आकाश यादव जी, इस फिल्म से डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म में तो ज़्यादा मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगा, आप इनसे ज़्यादा पूछे तो बेटर होगा। पहले ही तारीफ कर चुकी है, अच्छे हैं, बहुत हैंडसम है। और हीरो यहाँ पे हैंडसम चाहिए थे, हम लोग को मच नीडेड था, बहुत ज़्यादा नीडेड था, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, हीरोज ऐसे हीरो चाहिए थे हमें। आई होप कि आप अच्छा काम करें। और सर आप तो है, आपको ना लगे कि हैंडसम है, आप बहुत हैंडसम है, आप मेरे वाले हैं ना, अच्छा अच्छा आप मेरे वाले हैं ना, अभी मजाक कर रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम जो बहुत अच्छे हैं और हाइट पर्सनैलिटी अच्छी है, और मैंने काम नहीं किया अभी तक तो मैं ऐसे नहीं कुछ कहूँगी, बट जैसे बोल रहे हैं शुभी दी ने बताया, इन्होंने बताया कि अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं अच्छे, तो हम लोगों की इंडस्ट्री को ज़रूरत है अच्छे टैलेंट की, यंग टैलेंट की और खूबसूरत टैलेंट की। फाइनली तो देख के लग रहा है, अच्छा लग रहा है, भगवान करे तथास्तु, अब बहुत आगे बढ़ो। ये खूबसूरती भी है, हैंडसम भी है
और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक्सपीरियंस भी हैं, तो एक एक अच्छा कॉम्बो बना हुआ है इस फिल्म का। ये पीछे से बहुत ज्यादा शुभिदी ही बोल रही है, उनको भी बुला लेना। हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए, आप भी आ जाइए, जब तक आप नहीं है तो। हाँ, दोनों सुंदरी एक साथ। अरे प्रोड्यूसर जी भी रहे हमारे। जैसे कि जो हमारी इंडस्ट्री कुछ हीरो है जो हमेशा कहते हैं, मतलब कुछ हीरो में से, कि नई हीरोइनों को लेके आइए, नई हीरोइन को लेके आइए, मतलब उनको कितनी नई हीरोइन चाहिए हम लोगों को नहीं पता। वैसे हम भी, हम दोनों को भी बहुत खुशी है, बहुत खुश हैं हम दोनों भी कि एक नया हीरो आया है और जो बहुत अच्छा है। और नो डाउट, जैसे पर्सनैलिटी तो बहुत अच्छी है, हैंडसम भी है, एक्टिंग भी अच्छी है, कि मैं इनके साथ काम कर चुकी हूँ। और जो जय जी हैं उनके लिए तो जब भी मैं कुछ पोस्ट करती हूँ इंस्टा के ऊपर, तो जयपुर की ओर से वहाँ से कॉल आते हैं, तुम्हारे यार ये हीरो बहुत हैंडसम है, हाइट बड़ी अच्छी है, इनके लिए तो मुझे 2-3 बार जयपुर से स्पेशली कॉल आया है। तो ये भोजपुरी का हीरो है क्या, ये सीरियल वगैरह का है, सीरियल में काम किया है क्या, ये किया है क्या, वो किया है क्या, इनके लिए लोग इतना पूछते हैं। मैंने बोला कि ऐसा नहीं है, मैं भोजपुरी में हैंडसम हीरो भी हैं, बहुत हैं, बहुत ज़्यादा वाले नहीं है, बट कुछ हीरो बहुत हैंडसम है। जब खूबसूरत एक्ट्रेस हो सकते हैं तो हैंडसम हीरो भी तो हो सकते हैं। तो मैं हैप्पी हूँ कि ये हमारे साथ भी नए हीरो आ रहे हैं। और मतलब हमारे इंडस्ट्री का रेशियो ऐसा है जैसे हिंदुस्तान में मेल के मेल इज टू फीमेल का जो रेशियो है, वैसा ही हमारे इंडस्ट्री का हाल है। 10:1000 हजार हीरोइन है, 10 हीरो हैं, 10 हीरो हैं, बेचारी कहाँ किसके साथ काम करो। और उसमें भी कुछ अभी एक सवाल आया है जिसका जवाब हीरो कहता नहीं हीरोइन, तो अब हीरोइनों ने नए हीरो लॉन्च करेंगे। हाँ, ये हम लोग तो नहीं कर सकते, प्रोड्यूसर करे, हमारे जो हम इतना इतना होता भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छा है, आई एम सो हैप्पी कि अभी अभी और भी लोग भोजपुरी में आ रहे हैं और हीरो भी अभी आ रहे हैं, क्योंकि 10 हीरो के 10 हीरो भी कम हो गए थे, क्योंकि भोजपुरी पिक्चर बन रही है बैक टू बैक और बहुत पिक्चरें बन रही है, उसके अकॉर्डिंग और हीरो की डिमांड थी और ये आकाश जी शामिल हो चुके हैं। और ये पब्लिक से ही ये मेरा रिक्वेस्ट है, सीरियसली मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहचानो कि टैलेंट होता क्या है। किसी के नाम को मत फेमस करिए, किसी ने कुछ बताया कुछ किया उसको मत फेमस करिए। मतलब आपको जो अच्छा जिसकी एक्टिंग आपको पसंद आए, हाँ एक्टिंग में फर्क करना ये बंदा, इसकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी है, आप उसको पसंद कीजिए, क्योंकि आप लोग ही हो जिनके वजह से हमें काम मिल सकता है। अदरवाइज इधर मतलब बहुत कम लोग हैं जो टैलेंट को इम्पोर्टेंस देते हैं। करेक्ट, सर आ चुके हैं, अब मैं जा रही हूँ, बाय यामिनी जी। जय जी, सबसे पहले तो सुंदरी के लिए बधाई हो कि आपको एक साथ दो दो सुंदरी मिली हैं और एक सुंदरी आपके साथ बैठी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? हम इनके साथ पहली बार काम करने जा रहे हैं, अब इनके बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानते, सिर्फ जो दोस्तों से सुना है, अपने क्वार्टी से सुना है इनके बारे में कि बहुत फ्रैंक बोलती हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हैं और जो भी मन में होता है वो मन में नहीं रखती हैं, सब मुँह पर बोल देती हैं, बहुत क्यूट है। और एज एन आर्टिस्ट इनके बारे में काफ़ी तारीफ सुनी हुई है। पहली बार मुलाकात हो तो होप सो सब जो सुना है वो सब सही होगा, एकदम 100% होगा जी। मेरा भी सेम यही है कि मैंने पहली बार मतलब जय सर के साथ काम कर रहे हो और काफ़ी मतलब स्टार्टिंग से भी ज्ञान, अभी पहले दिन ही है तो आते ही ज्ञान दिए हैं, एक तो वो अलग ज्ञान नहीं दिए थे, कुछ तो भी बता रहे थे कि जिंदगी में जिसको जिसका जो लिखा रहता है वाला बताएंगे नहीं, ज्ञान भी दिए आते ही हम समझ गए ये ज्ञानाचारी हैं और हमारे द्रोणाचार्य यही रहेंगे। बहुत अच्छे लगे मेरे को नेचर से, सभी अच्छे हैं। शुभिदी से तो मैं पहले भी मिली हूँ, वो मेरे लिए एक एल्डर सिस्टर जैसी हमेशा से रही है। आकाश जी से मिली हूँ, मैंने इनको देखते ही बोला ये ऐसे भी हीरो आ रहे हमारे, वाह हीरो आ रहे हमारे ऐसे। तो इन लोग की वैसे तीनों की मैंने वीडियोस देख रही थी मैं और बहुत जलन हो रही थी मुझे कि मेरे बिना ये लोग वीडियो बना रहे हैं, अब मैं इन लोग की वीडियो खराब करने आई हूँ। नहीं खराब नहीं करेंगे, वीडियो में आके वीडियो की खूबसूरती सुंदरी हूँ ना मैं तो खराब करूँगी। नहीं नहीं, नहीं सुंदरी हमारे फिल्म की सुंदरी खराब सुंदरी हम रिवील नहीं करेंगे, क्या करती है कैसे करती है। हाँ हाँ,
होपफुली सब अच्छा हो और अच्छा होगा। और जोड़ी तो किसकी किसके साथ जमेगी ये ऑडियंस तय करेगी, बट बाई एज एन एक्ट्रेस बाई नेचर बहुत ही अच्छी है। अभी हमने एक टेक भी दिया तो कैसा काम करती है वो भी पता चला, बहुत ही अच्छी। तो जोड़ी तो बट ऑब्वियस सबके साथ अच्छी रहती है और अच्छी ही रहेगी। जमाने वाले मतलब क्या बोलूँ, मेरा देखिए पहली बात है अभी ये सीरियस नोट पे, किरदार मेरा बहुत अच्छा है। फिल्म का नाम जो सुंदरी है वो भी बहुत मतलब यूनिक स्टोरी है, और जैसे हम लोग हमेशा भोजपुरी में कहते हैं हम कुछ अलग कर रहे हैं, वैसा वाला अलग नहीं। इसीलिए मैंने ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया, ये सेंटेंस ही नहीं बोला कि हम लोग कुछ अलग कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ भी अलग नहीं कर रहे हैं। हम अच्छी फिल्म लेकर आ रहे हैं, बहुत ही कमाल की स्टोरी है, और वो देखने के बाद ऑडियंस हमें बताएगी कि हमने अलग किया है कि नहीं किया। हम ही पहले बता देंगे तो ऑडियंस क्या करेगी। ट्रू, इसके लिए ये मेरा मानना है ऐसा। और रही बात जोड़ी की, तो जोड़ी तो एक एक जोड़ी ऊपर वाला बनाता है, दूसरे हमारी ऑडियंस बनाती है। तो होपफुली अब देखिए कैसा रहता है, ट्यूनिंग हमारी हमको लगता है अच्छे लगेंगे हम दोनों साथ में। बाकी तो अभी तो अच्छे लग रहे हैं, पेमेंट आ गया है ना, पेमेंट आया है मेरा अकाउंट में, तो अभी अच्छे लग रहे हैं। अभी मुझे प्रोड्यूसर सर भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और डायरेक्टर सर के साथ अभी मैंने शॉट कोई दिया नहीं है सच, मतलब सीन नहीं किया है कोई, तो वो बता नहीं सकती। बट सब बता रहे हैं, शुभी दी बताएं, सर बोले, सब लोग बता रहे कि अच्छे डायरेक्टर है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर अब जब सब लोग बोल रहे तो अच्छी होंगे। अभी हम लोग पहली बार इस फिल्म में मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, और देखते हैं। अभी मैंने पहले ही एक शॉट दिया तो ऐसे जज नहीं कर सकती, पर हाँ अच्छे ही होंगे, जो भी होंगे अच्छे ही होंगे, अच्छे ही बुलाए गए होंगे। अब आर्टिस्ट अच्छे लिए गए तो कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा होगा ये सब। सुंदरी को लेके मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि अभी तक मैंने जो भी काम किया, जितना भी किया, ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, हर वे में सपोर्ट किया। भले से वो हम लोगों में थोड़ा सा यूनिटी प्रॉब्लम आ जाती है, बट हाँ ऑडियंस ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ये ऑडियंस ही थी जिसकी वजह से आज 3 साल हो गया मैं अभी भी इंडस्ट्री में हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, हमेशा नया कुछ ना कुछ अपने किरदार के साथ लाती हूँ। तो सुंदरी जो आ रही है वो भी बहुत अलग किरदार है, मेरे लिए भी है, सबके लिए। ये फिल्म भी बहुत अलग है, सबके लिए बहुत अच्छी फिल्म है ये। तो आई होप क्या, मैं ये लोगों से कहती हूँ कि देखिएगा, जब भी आएगी ये फिल्म देखिएगा, क्योंकि आपको बड़ी अच्छी लगने वाली है, बहुत प्यारी लगने वाली है। फिल्में तो मेरी काफ़ी सारी आ रही है और सभी एक से एक आ रही है। मैंने तो कभी ख़राब फिल्में की नहीं है, तो अच्छी फिल्में ही कर रही हूँ मैं, अच्छी फिल्में आ रही है। कितना बताऊँ मैं, वैसे कोई भी आर्टिस्ट खराब फिल्में नहीं करता है, तो अच्छी फिल्में ही की है। हाँ। अच्छी फिल्में आएगी, और हमेशा मैं तो ये कोशिश करती हूँ, और ये फिल्म का भी है कि फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो अभी भी आता है, लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ चला गया वैसा वैसा, है बहुत अच्छा है ये फिल्म फैमिली के लिए देखने लायक। और अभी तक मैंने जितनी भी फिल्में की है वो फैमिली ओरिएंटेड ही है, तो ये भी वॉय वैसी है। जब आएगी देखिएगा, और देखिएगा तो बहुत मज़ा आएगी, बट श्योर आपको मज़ा आएगी। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि फिल्म बहुत ही अच्छी है, और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं पूरी शिद्दत के साथ में। हमारे प्रोड्यूसर महेश जी, हमारे डायरेक्टर प्रवीण कुमार गुडरी जी, हमारे DOP माही शेरला जी, सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इस फिल्म को लेके, तो फिल्म बहुत अच्छी बनने जा रही है। सारे आर्टिस्ट हैं, सब अच्छे आर्टिस्ट हैं, और सब लोगों ने अपनी पूरी 100% अपना देने का कोशिश कर रहे हैं, तो फिल्म बहुत अच्छी बन रही है। तो दर्शकों से यही कहेंगे कि अच्छी फिल्मों को देखें और उसको सपोर्ट करें, सिनेमा हॉल में जाके देखें, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूट्यूब पे वेट करें। अच्छी फिल्मों को आप सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे तो और बहुत सारी अच्छी फिल्में बनेंगी, और उससे हम लोग को थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी वजह से हम ज़्यादा कोशिश करेंगे अच्छी फिल्मों को बनाने के लिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.